आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, साइकोलॉजी वर्ड कैसे बना, तो दोस्तों आज हम ये पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी, क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी है क्या। आपको पता है साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है मनोविज्ञान होता है, या आप कहें मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और दोस्तों जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक भाषा है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो, साइको इसके बाद दूसरा है लोगस, साइको प्लस लोगस ये मिलके बना है साइकोलॉजी। तो जो साइको है दोस्तों इसका अर्थ है आत्मा, और लोगस का मतलब है अध्ययन। तो दोस्तों इस तरह हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, एक ऐसा विषय जिससे आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, साइको आत्मा और लोगस अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। तो दोस्तों ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान को दोस्तों आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे, प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, लिविनिज, होब्स, कांट और ह्यूम, इन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान को क्या कहा, मन का विज्ञान कहा। प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान, लेकिन दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, लिविनिज, होब्स, कांट और ह्यूम ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। हालांकि चार के मैंने नाम बताए, और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यह परिभाषा 1870 ईस्वी तक दोस्तों मान्य रही थी। उस समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। दोस्तों उस समय क्या था, जो मनोविज्ञान है वो क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। इसके बाद अब यहां पे पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, किसी की आत्मा और मन का, किसी की आत्मा है या किसी का मन है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों आत्मा और मन है उसको देखा नहीं जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान आत्मा और मन का विज्ञान नहीं रहा। मतलब जो ये कथन है, जो ये बात मानी जाती थी पहले, प्लेटो अरस्तु आत्मा का विज्ञान मानते थे, होब्स और कांट और कई साइकोलॉजिस्ट थे वो मन का विज्ञान मानते थे। तो लेकिन दोस्तों मन और आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये जो कथन था, जो ये बात थी, ये मानी नहीं गई। इसके बाद क्या हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। आत्मा और मन के बाद जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी थी, उसे चेतना का विज्ञान माना गया। और दोस्तों अभी एक पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट, डीएसएसबी, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1879 में क्या हुआ, जो विल्हेम वुंड थे, विल्हेम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो कहां पे स्थापित हुई थी, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। हालांकि इसे आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं।
इसके बाद है दोस्तों विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। जो विलियम वुंट थे उन्होंने क्या माना कि मनोविज्ञान है वो क्या है, चेतना का विज्ञान है। इसके बाद अब यहां पे पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान माना गया। जो मनोविज्ञान था, जो मानसिक क्रियाएं होती हमारी या चेतन अनुभूतियां हैं हमारी, उसका विज्ञान दोस्तों मनोविज्ञान को माना गया। और इस विचार को जो मानने वाले थे, जो इस विचार को मानते थे, उन्हें संरचनावादी कहा गया। उन्हें दोस्तों क्या कहा गया, संरचनावादी कहा गया। और इसका जो समर्थन किया था किसने किया था, विलियम वुंट और टिचनर ने। तो आप कह सकते हैं मुख्य रूप से इसमें विलियम वुंट थे, विलियम वुंट संरचनावादी मुख्य तौर पे थे, हालांकि टिचनर थे उन्होंने भी समर्थन किया, तो टिचनर भी आ जाए तो वो भी संरचनावादी थे। लेकिन दोस्तों यहां पे एक पॉइंट है, लेकिन मानव के जो अनुभव हैं वो अचेतन भी होते हैं। अगर कोई मनुष्य है उसके जो एक्सपीरियंस हैं वो अचेतन भी होते हैं, चेतन भी होते हैं अचेतन भी होते हैं। इसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान प्लेटो अरस्तु ने, इसके बाद मन का विज्ञान कांट ह्यूम और भी थे कई, इसके बाद विलियम वुंट और टिचनर ने चेतना का विज्ञान माना जो संरचनावादी थे। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, ये इसका स्वरूप बदल गया और इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि जो मनुष्य है इंसान है उसके व्यवहार, जो उसका बिहेवियर है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, वो चेतन भी होता है अचेतन भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, आप देख लीजिए, जेबी वॉटसन को इस विचारधारा में प्रमुख माना जाता है। जो व्यवहारवाद में अगर हम बात करें तो जेबी वॉटसन को इस विचारधारा में प्रमुख माना जाता है। और दोस्तों आज के समय में जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। जो आज के समय में है, क्वेश्चन दोस्तों ये आ सकता है, आज के समय में क्या है मनोविज्ञान, क्या है व्यवहार का विज्ञान। और दोस्तों व्यवहारवादियों में जो जेबी वॉटसन है उनका नाम प्रमुख है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जेबी वॉटसन का नाम है जो वो प्रमुख है। इसके बाद मैंने अभी आपको एक पॉइंट और बताया था, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। वो क्वेश्चन भी आ सकता है। और वो कौन थे, संरचनावादी थे, टिचनर ने भी उनका समर्थन किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पॉइंट टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों की डिमांड पे ये सीटेट डीएसएसबी की ये साइकोलॉजी की जो सीरीज है दोस्तों मैंने स्टार्ट की है और अपने लेवल से पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोज में इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों ये क्या है, एक हमारी फैमिली है। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।